आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को समय पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एमके शर्मा प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी के लिए डोर टू डोर कार्यक्रम चलाया गया। जिला न्यायाधीश संजय गुप्ता द्वारा गोटे गांव के श्री देव मुरलीधर स्कूल के पदाधिकारियों व छात्रों के साथ रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने के लिए निःशुल्क विधिक सेवा आयोजनों का प्रचार प्रसार किया गया। जिला विधिक सेवा के सचिव संजय गुप्ता ने निशुल्क विधिक सहायता योजना, लोक अदालत, मध्यस्थता योजना, आदिवासियों के संरक्षण एवं प्रवर्तन के लिए विधिक सेवा योजना की जानकारी के साथ ही विधिक सहायता ऐप के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐप के माध्यम से आप सभी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन रजिस्टर कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के अध्यक्ष माननीय श्री एम के शर्मा साहब के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। हम ऐसे व्यक्ति जो कि कमजोर हैं, शोषित वर्ग हैं, पीड़ित हैं और वह किसी प्रकार से अपने अधिकारों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं करा पाते हैं, तो न्यायालय उनको एक प्रकार की सुविधा देती है कि उन्हें अभिभाषक फ्री मिलता है, कोर्ट की सुविधा माफ हो जाती है और अपना मामला यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं बिना हिचक झिझक के। और इस तरह का ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर से गांधी जयंती से स्टार्ट हुआ है और ये 14 नवंबर तक चलना है ताकि आम जन को इस बात का फायदा हो सके। क्या नाम है? मैं संजय कुमार गुप्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सेक्रेटरी हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तहसील विधिक सेवा समितियों के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय स्तर पर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर भी जो विधिक सेवाएं दी जा रही हैं उनका प्रचार प्रसार हमारे कमजोर वर्गों तक पहुँच सके ये सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा लगातार सहयोग किया जा रहा है, महिला बाल विकास विभाग और पंचायत विभाग के द्वारा भी अपने कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सचिव और जीआरएस जो ग्राम रोजगार सहायक हैं उनके माध्यम से लगातार शिविरों का और डोर टू डोर कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। ये वॉइस ऑफ राइट्स के लिए गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।